आपसे श्याम सुंदर गिला क्या करे, आप तो हमको हरदम बुलाते रहे। आपने तो कभी मुंह मोड़ा नहीं, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। आपसे श्याम सुंदर गिला क्या करे, आपसे श्याम सुंदर गिला क्या करे, आप तो हमको हरदम बुलाते रहे। आपसे श्याम सुंदर गिला क्या करे, आप तो हमको हरदम बुलाते रहे। आपने तो कभी मुंह मोड़ा नहीं, आपने तो कभी मुंह मोड़ा नहीं, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। आपसे श्याम सुंदर गिला क्या करे, आप तो हमको हरदम बुलाते रहे। क्या अभी हमने कौन सी लाइन बोली, बोलिए जरा। पहले उससे पहले क्या, हाँ मैं बीच बीच में पूछूंगी सबसे, और मैं देखूंगी आप सत्संग सुन रहे हो, गा रहे हो, साथ में कह रहे हो, समझ लो आपकी और हमारी परीक्षा चल रही है। जब तक शब्दों पे ध्यान नहीं दोगे, ये श्रीमद् भागवत की बात है कि ये कोई जूस नहीं है, लस्सी नहीं है जो आप मुंह से लगाओगे और गटगट पी जाओगे, ये नाम रस है, ये करण रस है, कानों से पिया जाता है। इसलिए जब तक कान इधर नहीं लगेंगे आपके, ये रस नहीं पिया जा सकता। कानों के द्वारा हृदय में पहुंचता है, ये करण रस है। इसलिए सुनिए और गाइए। मन में पापों का हरदम बसेरा रहा, मन में पापों का हरदम बसेरा रहा, इसलिए जिंदगी में अंधेरा रहा, इसलिए जिंदगी में अंधेरा रहा। क्यों अंधेरा रहा? मंदिरों में तो दीपक जलाते रहे, मंदिरों में तो दीपक जलाते रहे। मंदिर में दीपक मत जलाओ, जलाओ, लेकिन पहला दीपक कहां जलना चाहिए? पहला दीपक मन के मंदिर में जलाइए, फिर दीपक जलाइए जाकर के मंदिर में। और मन में तो आपके पापों का अंधेरा, पापों का बसेरा, और फिर कितने भी दीपक जला लो आप, आपके मन मंदिर में कभी रोशनी नहीं हो सकती, कभी उजाला नहीं हो सकता। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है, गोस्वामी जी कहते हैं के राम नाम मनी दीप धर,
चीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरू जो चाहत उजियार। राम नाम का दीपक अपनी जिब्बा पे रख लो, अगर तुम अपने अंदर और बाहर उजाला चाहते हो तो ये राम नाम का दीपक अपनी जिब्बा पे रखो, यानी राम 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 नाम का जाप करिए, वही दीपक है। तो इसलिए संत कहते हैं मन में पापों का हरदम बसेरा रहा, मन में पापों का हरदम बसेरा रहा, इसलिए जिंदगी में अंधेरा रहा, इसलिए जिंदगी में अंधेरा रहा। मंदिरों में तो दीपक जलाते रहे, मंदिरों में तो दीपक जलाते रहे, मंदिरों में तो दीपक जलाते रहे, मंदिरों में तो दीपक जलाते रहे। हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे, आपसे शाम सुंदर किला क्या करें, आपसे शाम सुंदर किला क्या करें। आप तो हमको हरदम बुलाते रहे, आप तो हमको हरदम बुलाते रहे। समझ आई कुछ? क्या बोला है बताइए, आप बताइए इसका मतलब क्या है, समझ आया है कुछ? हमने अपने गुनाहों को देखा नहीं, हम अपनी गलतियों को नहीं देखते अपने, हमने क्या किया हमारी क्या गलतियां उसको हम नहीं देखते, इसीलिए हमारी भाग्य की रेखा नहीं बदलती। लेकिन दूसरों को हम शीशा दिखाते रहते हैं, तूने ये किया तूने वो किया तूने वो किया, खुद को नहीं समझाते दूसरों को समझाते रहते हैं। दूसरों को तो शीशा दिखाते रहे, दूसरों को तो शीशा दिखाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे, आपसे श्याम सुंदर किला क्या करे, आपसे श्याम सुंदर किला क्या करे, आपसे श्याम सुंदर किला क्या करे, आपसे श्याम सुंदर किला क्या करे। आप तो हमको हरदम बुलाते रहे, आप तो हरदम हरदम बुलाते रहे।
रहे, भूल गए नींद में सोते रहे। दूसरों को नींद से दूसरों को जगाते रहे, नींद से दूसरों को जगाते रहे, नींद से दूसरों को जगाते रहे, नींद से दूसरों को जगाते रहे। हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। आपसे श्याम सुंदर गिला क्या करे, आपसे श्याम सुंदर गिला क्या करे, आपसे श्याम सुंदर गिला क्या करे, आपसे श्याम सुंदर गिला क्या करे। आप तो हमको हर दम बुलाते रहे, आप तो हमको हर दम बुलाते रहे। बस जुबानी तेरे गीत गाते रहे, जुबानी तेरे गीत गाते रहे, बस जुबानी तेरे गीत गाते रहे, जुबानी तेरे गीत गाते रहे। हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे, हम खुद ही जो गलतियां हुई क्षमा कर दो, आगे से नहीं होंगी। तभी क्षमा होगी जब ये कहेंगे कि आगे से नहीं होगी, लेकिन हम फिर करते हैं। फिर भी प्रार्थना करो, पिछली बातें दया कर भुला दीजिए, पिछली बातें दया कर भुला दीजिए। और दास की अब तो बिगड़ी बना दीजिए, दास की अब तो बिगड़ी बना दीजिए। सबकी नैया किनारे लगाते रहे, सबकी नैया किनारे लगाते रहे। देखो, छोटी सी बात मुझे याद आती है, ये हमारे भैया रामेश्वर जी गाया करते थे, अब वो नहीं है शरीर से, देहरादून वाले भैया हमारे रामेश्वर जी इस भजन को गाया करते थे। और यहां सबकी नैया किनारे लगाते रहे,
बार मैया यशोदा कार्तिक मास में यमुना जी में दीप दान करने जा रही थी, तो कन्हैया छोटे से लाला मैया मैं हूँ जाऊंगो। मैया बोली लाला तू क्या करेगो जाके? अरे मैया मैं भी देखूंगो दीपदान। तो गोपियां बोली मैया ले चलो। तो कन्हैया मैया के साथ यमुना जी पे दीपदान करने गए। मैया दीपदान कर रही है और जो दीप मैया छोड़ रही है यमुना जी में जला करके, और भी गोपियां दीपदान कर रही हैं। तो जो जले हुए दीपक या बुझे हुए बुझ भी जाते हैं, ठाकुर जी की तरफ जा रहे हैं, उनको कन्हैया निकाल निकाल के अपने पास रख रहे हैं। और गोपियां देख रही कि ये क्या कन्हैया क्या कर रहे हैं। मैया भी देख रही, अरे लाला तू ये क्या कर रहे हो? लोग तो दीपदान करे यमुना जी में और तू यमुना जी सोन निकाल निकाल के अपने पास रख रहे हो। तो कन्हैया क्या बोले पता है? अरे मैया जो दीप मेरे माँ आए मेरी तरफ आए उनको तो मैं अपने पास रख लूंगो, और जो मेरे से विमुख जा रहे हैं उनको मैं ना पकड़ूंगो। समझ गए? जो कन्हैया की तरफ जाएगा उसको तो लाला पकड़ लेंगे अपना बना लेंगे, और अगर उनसे मुख मोड़ोगे तो वो 100 बार मोड़ लेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए आओ कहो सबकी नैया किनारे लगाते रहे, नैया किनारे लगाते रहे, नैया किनारे लगाते रहे, नैया किनारे लगाते रहे, खुदी आपसे दूर जाते रहे, हम खुदी आपसे दूर जाते रहे, खुदी आपसे दूर जाते रहे, हम खुदी आपसे आपसे श्याम सुंदर किला क्या करे, आपसे श्याम सुंदर किला क्या करे, आप तो हमको हर दम बुलाते रहे, आप तो हमको हर दम बुलाते रहे, आपने तो कभी मुंह मोड़ा नहीं, आपने तो कभी मुंह मोड़ा नहीं, हम खुदी आपसे दूर जाते रहे, हम खुदी आपसे आपसे दूर जाते रहे, हम खुदी आपसे दूर जाते रहे, हम खुदी आपसे दूर जाते रहे, हम खुदी आपसे दूर दूर जाते।